बहुत सारे लोग सोशल मीडिया के माध्यम से ये सवाल पूछते हैं कि क्या एक कपल, स्पेशली मेल और फीमेल, दोनों एक साथ एक कूपे में ट्रेवल कर सकते हैं या नहीं। वैसे ही बहुत सारे लोग ये भी सवाल पूछते हैं कि हमें किस केस में कूपे अलॉट होता है और किस केस में हमें केबिन अलॉट होता है, अगर हम फर्स्ट एसी की बात करें तो। तो फर्स्ट एसी में कूपे और केबिन अलॉटमेंट की प्रक्रिया के बारे में आपको एक वीडियो के माध्यम से समझाया जा चुका है। उसमें किसी तरह का कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ भी सकते हैं। कूपे और केबिन फर्स्ट एसी में जो अलॉट होता है वो मैन्युअली होता है और चार्ट प्रिपरेशन के थोड़ी देर पहले होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे फैक्टर्स को देखना होता है और उसी के अकॉर्डिंग जो है कूपे या केबिन अलॉट होता है। अब हम ओरिजिनल क्वेश्चन पे आते हैं कि क्या एक मेल और फीमेल दोनों एक साथ एक कूपे में ट्रेवल कर सकते हैं। तो ऐसे केस में रेलवे का क्या नियम है? रेलवे सबसे पहले कूपे अलॉटमेंट के लिए ये देखती है कि जो पीएनआर बुक हुआ है और उस बुक पीएनआर में जो आपका प्रेफरेंस है कूपे या केबिन, उसको देखा जाता है। कूपे अगर आपने मांगा है और आप दो ही लोग हैं तो ऑब्वियसली जो है आपको कूपे प्रेफर की जाती है। उसमें ये नहीं देखा जाता है कि आप हस्बैंड वाइफ हैं, आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं, आप जो है ब्रदर एंड सिस्टर हैं, ये नहीं देखा जाता है। सिंपल सी ये देखी जाती है कि आपकी पीएनआर वैलिड है। दूसरा चीज़ कि आप दोनों के पास जो है ट्रेवल आइडेंटिटी होना चाहिए, कोई आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए आपके पास। टीटी जब मांगे तो उसको प्रोड्यूस करना है आपको टीटी के सामने।